मैं सुनीता मिश्रा आज बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी हम दो तरीके से बनाएंगे, एक प्लेन एक मसालेदार। प्लेन वाले में हमें चाहिए होगा इमली, चीनी, कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च इसलिए हम प्रयोग करेंगे, इसमें कलर अच्छा आता है। नमक, थोड़ी सी हल्दी, ऑयल और हींग। इसमें हम सिर्फ हींग डालेंगे। और जो हम मसालेदार बनाएंगे उसमें हम डालेंगे सौंफ, कलौंजी, थोड़ी सी मेथी, 8-10 दाने मेथी और थोड़ा सा जीरा। इमली को मैंने रात भर भिगो के इसको मैश करके छान लिया है। मेरे पास एक घोल इसका तैयार है। 100 ग्राम इमली के घोल में हमें चाहिए होगा 200 ग्राम चीनी। तो इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। तो मैंने 100-100 ग्राम चीनी अलग कर ली है। अब हम इसे अलग अलग बनाएंगे। पहले मैं बताने जा रही हूँ आपको प्लेन इमली की चटनी। इसमें बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैं डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, एक छोटी चम्मच के बराबर। एक चुटकी हूँ चौथाई चम्मच हल्दी, आधी चम्मच से कम 1/3 मिर्च, और मिर्च के साथ ही हम इसमें करीब आधा घोल डाल देंगे। आधी चम्मच नमक और ये 100 ग्राम चीनी। इसे धीरे धीरे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इसे गाढ़ा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ बनाएंगे मसाले वाली। अब हम बनाएंगे मसाले वाली इमली की चटनी। इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ये पंचफोरन के नाम से कहा जाता है, जिसमें जीरा, सौंफ, मेथी, कलौंजी और हींग, ये 5 चीज़ें मिला के जब हम छौंक लगाते हैं तो पंचफोर ही बोलते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1/4 चम्मच से कम जीरा, 100 थोड़ी ज्यादा डालते हैं, 100 अच्छी लगती है इसमें, थोड़ी सी कलौंजी, आठ दस दाने मेथी। मेथी ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कड़वा हो जाता है। महक सिर्फ मेथी की आ जाए। और हींग थोड़ी, एक चुटकी और थोड़ी सी और, करीब 1.5 चुटकी हींग। आधा चम्मच से कम हल्दी और मिर्च डालते ही हम इसमें घोल डाल देंगे। मिर्च जलने लगती है। ये 100 ग्राम चीनी और 1/2 चम्मच नमक। नमक और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं।
इसे हम पकाते हुए गाढ़ा कर देंगे, जितनी गाढ़ी चटनी होती है। तेज आंच में गाढ़ा कर लेना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हमें पकाने की ज़रूरत है, सिर्फ गाढ़ा करने की ही ज़रूरत है। इसलिए तेज आंच में हम इसे जल्दी से पका लेंगे, गाढ़ी कर लेंगे। चटनी हमारी पर्याप्त गाढ़ी हो गई और इसका गाढ़ापन देखने के लिए हम इसे थोड़ी सी चटनी लेके प्लेट में डालेंगे। जी देखिए चटनी, और अभी ठंडी होने के बाद थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन और आएगा, ये हल्की सी जमेगी। ये देखिए इधर ये चटनी भी मेरी तैयार हो गई, मसालेदार चटपटी तीखी चटनी। ये पर्याप्त गाढ़ी है और अभी ये और गाढ़ी हो जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें छोटे छोटे जो चटपटी मसाले वाली चटनी है इसमें छोटी छोटी किशमिश काट के और छुहारे काट के भी आप डाल सकते हैं, पर इन्हें आप गर्म में ही डालिएगा जिससे ये मुलायम हो जाए। एकदम कढ़ाई में मैंने नहीं डाला कि ये गल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने कढ़ाई से पलटा या गैस बंद करने के बाद आप कढ़ाई डालें, कढ़ाई से पलट के कहीं रख दें तो उसमें गर्म में ही आप डाल दें। ये चटपटी चटनी हमारी 15-16 मिनट में बनके एकदम तैयार हो जाती है। ये इमली की चटनी जार में भर के रख देने से फ्रिज में एक महीने तक चल जाती है। अगर आपको हमारी ये चटनी पसंद आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।